यह आश्वासन दिलाते हैं कि अभी 4 बजे जो भी जो मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग के अंदर दलित शोषण मुक्ति मंच की केंद्रीय कमेटी जो भी आह्वान करेगी, दलित अधिकार मंच हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता आपके निर्णयों के ऊपर फूल चढ़ाते हुए कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एक दो बातें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, लंबी बात नहीं कर रहा मैं, कि ये मोदी की सरकार ऐसे हरियाणा में खट्टर की सरकार और ये विकास के नाम के ऊपर जो ढिंढोरा पीट रहे, वो विकास 2 महीने पहले चंडीगढ़ के अंदर है, बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा है विकास का, उसका नाम है विकास, वो हरियाणा के आईएएस अफसर की बेटी को छेड़ते हुए पकड़ा गया, ये इनका विकास है। दूसरा, ये हरियाणा के अंदर दलितों को उजाड़ रहे, बस्तियों को उजाड़ रहे, गौशाला के नाम पे, नंदीशाला के नाम पे, योगशाला के नाम पे और गौ हॉस्टल के नाम के ऊपर जो शामनाथ की जमीन है, पंचायत की जमीन है, संवैधानिक कोटे की जमीन है, उस जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। हम हरियाणा के अंदर भी जितने भी हमारे दलित संगठन है, दलित अधिकार मंच उनका नेतृत्व करते हुए जमीन की लड़ाई को, पढ़ाई को बचाने की लड़ाई को, खाद्य सुरक्षा की लड़ाई को, राशन कार्ड बनाने की लड़ाई को और ये ऑनलाइन के नाम के ऊपर कल्याणकारी योजनाओं में जो ये कटौती कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम हरियाणा में लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी यहाँ मोदी सरकार के दरवाजे पर आके ललकार के कहने के लिए आए हैं। या तो मोदी सरकार अपनी नीतियों के अंदर जनपक्षीय बदलाव करो, वरना तो सुभाषिनी जी ने ऐलान किया था कि तुम मूर्तियां तोड़ रहे हो, हम तुम्हारी कुर्सी तोड़ के रहे और देश से बाहर करेंगे, यही आह्वान करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हमारा बीच में राजस्थान का नेता है मेघवाल, समाधि मंच और उपस्थित साथियों, आज जिस तरह का असरदार आयोजन हुआ है इसके लिए सभी को बधाई। और मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ के हालात किसी छिपे हुए नहीं है, और परंतु जैसे भी हालात हो, जैसे भी परिस्थितियां हो, इस सरकार के इस विचारधारा के खिलाफ जो देश और समाज को तोड़ना चाहती है, लोगों का लोकतंत्र संविधान को ध्वस्त करना चाहती है, उसके खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे। यही संकल्प जंतर मंत्र ला के ले जा करके आम जनता तक, आम ढाणी तक, गांव तक ले जाने का काम करेंगे। इसी के साथ में इनकलाब जय भीम लाल सलाम साजो, धन्यवाद। थैंक यू मेघवाल। अभी हमारे बीच में महाराष्ट्र का नेता और कामले है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कामले 2 मिनट भाषण करेगा। दलित शोषण मुक्ति मंच के इस जलसे के अंदर, इस संघर्ष पीठ में उपस्थित सभी नेतागण और इस रैली में आए हुए देश के कोने कोने के सभी भाइयों और बहनों, दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से हमने इन मूलभूत मांगों को लेकर यहाँ पर इस तरह का ये अखिल भारतीय मोर्चा हमारे दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से निकाला। और हम ये मांग करेंगे कि जिन मांगों को लेकर हमने इस मोर्चे को यहाँ पर बनाया है, उस मांग को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे हमारे दलित शोषण मुक्ति मंच की दूसरी अखिल भारतीय सम्मेलन मदुराई में हुई थी और उसकी डिक्लेरेशन को लेकर पूरे देश के अंदर हमने इस तरह का प्रचार का अभियान किया। अभी 2 दिन पहले 19 तारीख को हमने मुंबई में, महाराष्ट्र में इसी तरह का प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र के सरकार को हमने वहां पर
जो डिमांड पेश किया उन डिमांड के ऊपर, खास करके जो सर के ऊपर से महिला जो ढोने का काम होता है वो प्रथा तुरंत महाराष्ट्र में बंद होनी चाहिए, वो सरकार ने उसके लिए हमारे साथ आने वाले 15 दिन के अंदर बैठक बुलाई है। और उसी के साथ साथ हमने 5 एकड़ जमीन की मांग किए हैं, उसके अंदर 5 एकड़ जमीन को 8 लाख रुपया एक एकड़ जमीन को देने का वादा महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, उसको संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम हम आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। इसी बात के साथ ये जो मोर्चा, ये जो रैली आयोजित हमने यहाँ पर की है, ये संदेश हर प्रदेश के अंदर लेके जाने का काम करे। एक ही मैं बात बताना चाहूंगा कि 26 तारीख को मुंबई में जो भीमा कोरे गांव की घटना हुई थी उसको लेकर ये जो मनोहर भिड़े हैं इसको अटक करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, मगर मनोहर भिड़े के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रकाश अम्बेडकर को अटक करो, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर नक्सलाइट लोगों का लेकर काम कर रहा है। अगर इस तरह से कोई घटना होती है तो उसका पुरजोर विरोध जो है ये दलित शोषण मुक्ति मंच ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर करना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदा। थैंक यू कामले। हमारा मीटिंग 5-10 मिनट में खत्म करेगा। तो अभी आखिरी स्पीकर हमारा पिपल मध्य प्रदेश का नेता वो भाषण करेगा। 2 मिनट। आदरणीय मंच, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए दलित शोषित माता और बहनों, साथियों, मित्रों, आज हम इस दिल्ली में ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि ये वही दिल्ली है जिसमें कि महिला और जमीन के हक और अधिकार के लिए ये संकल्प लिया गया था कि जब तक हम अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचारों को और हमारे चमन का जो हक है वो बराबर हमको नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में शांत भूमि नहीं समर भूमि बनी रहेगी। मित्रों, हम कोई मामूली आदमी नहीं है, हम वो अमर संतान है जिनके ऊपर सदियों से इन मनुवादियों ने 4000 वर्ष तक हम पर हमले किए, परंतु आज हम इनके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आज भी सीना तान कर खड़े हुए हैं और ये जवाब देने के लिए दिल्ली में आए हैं कि आप पूर्व चल रहा मनुस्मृति को चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े फिर से इसको लागू नहीं होने देंगे, अपने हक और अधिकार यहाँ लेके रहेंगे। और एक चंद्रशेखर को तुमने बंद किया है हिंदुस्तान के, आज दलित और आदिवासियों में इतने चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे कि तुम्हारी जेल भी उसको भर नहीं सकेगी। मित्रों, वैसे सारी की सारी बातें कही गई है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, परंतु मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ कि अभी 14 अप्रैल आने वाली है, उसमें हम और आप हिंदुस्तान के कोने कोने में मतलब ये संकल्प लेंगे कि जब तक ये शोषणवादी व्यवस्था को नहीं गिरा दिया जाता तब तक हम चैन से साथ नहीं रहेंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करें। इंकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ में मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ कि आप आए और आपने अपना अमूल्य समय दिया। अभी अंत में हमारा दिल्ली का नेता और इसी सभा का अध्यक्ष नत्थू प्रसाद का वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करेगा, पहले वो प्रोग्राम भी अनाउंस करेगा। साथियों, काफी सुबह से ही हमारे साथी सैकड़ों मिलों से हजारों मिलों से चल करके सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हम लोग दोपहर के बाद में 4 बजे दलित शोषण मुक्ति मंच की कार्यकारिणी की जो बैठक होने जा रही है उस बैठक के अंदर मोदी सरकार की दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ और दलित अधिकारों के संबंध में
जो पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, उन दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ हमको साझा संयुक्त मंच, एक व्यापक मंच का हम महसूस करते हैं कि व्यापक मंच बना करके इस देश के अंदर उनके हितों की लड़ाई को लड़ा जाए। और ये निर्णय हम लोग सब मिलकर के दलित शोषण मुक्ति मंच के नेतृत्व ये तय करेगा कि दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर जो दलित मुद्दों पर जो अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं उन सबको एक सूत्र के अंदर बांध करके दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी लड़ाइयों को लड़ा जाए। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि दलित शोषण मुक्ति मंच आने वाले टाइम के अंदर इस पहल को लेकर के हम जाएंगे, तमाम सबको के अंदर जाएंगे और उनका हमको समर्थन हासिल होगा और इस देश के अंदर उनके ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, जैसे किसानों ने मुद्दे उठाए, जैसे मजदूरों के मुद्दे चल रहे हैं, इसी तरीके से हम इस देश के अंदर दलितों के मुद्दों को लेकर के व्यापक एकता बना करके हम इस लड़ाई की धार को तेज करने में सफल होंगे साथियों। और अंत में मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात को विराम करने से पहले 2 लाइनें जरूर पेश करना चाहता हूं साथियों। वो ये है कि मैं गोडसे के फ्लैट में रहता हूं, मैं गोडसे के फ्लैट में रहता हूं, न मैं गांधी के मुल्क में रहता हूं, न मैं बुद्ध के देश में रहता हूं। मेरे घर का पता बदल गया है दोस्तों, अब मैं डिजिटल इंडिया में रहता हूं। ना मेरे शहर में कोई कुआ है, ना मेरे शहर में कोई कुआ है, न गुसलखाने में एक बूंद पानी है। ये आधुनिक भारत की कहानी है, लेकिन मुझे लोगों को नॉमिनेट करना है क्योंकि ये स्वच्छ भारत में रहता हूं। मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख भी बहुत लगती है। मैं सिर्फ वोट बैंक बन गया हूं क्योंकि आदर्श ग्राम में अब मैं रहता हूं साथियों। मैं लिखना नहीं जानता, मैं सीखना भी नहीं चाहता हूं, पर संस्कृत जरूर पढ़ता हूं। मेरा इतिहास बदल गया है यारो, अब मैं प्राचीन भारत में रहता हूं। न मुझे महंगाई की चिंता है, न नौकरी की जरूरत है, क्योंकि मैं लैपटॉप लेकर के चलता हूं। मेरा भूगोल बदल गया है यारो, अब मैं शॉपिंग मॉल के ठीक पास गौरसे के फ्लैट पे रहता हूं। न मैं हिंदू से नफरत करता हूं, न मुसलमान से नफरत करता हूं, मैं संविधान में यकीन करता हूं, इसलिए चुनाव से पहले दंगा जरूर करवाता हूं। न मैं गांधी के मुल्क में रहता हूं, न बुद्ध के देश में रहता हूं, मैं सेल्फी युग का नायक हूं, ट्विटर से ही देश को हैंडल करता हूं साथियों। ये मैंने 2 लाइनें आपके बीच में कही है। आप सभी साथियों का जो आप लोगों ने हमको सहयोग दिया है उसके लिए भारी भारी धन्यवाद तमाम साथियों से। आज की ये सभा का जो समापन हम करने जा रहे हैं और भविष्य के जो हमारे काम है उनके लिए हम कोई दिशा लेकर के आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत सभी साथियों को जोरदार मुक्ति मंच जिंदाबाद। और एक आवाज जरा संसद तक जानी चाहिए।